एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज की वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सीएमए फाउंडेशन का जो जून 2024 अटेम्प्ट का पेपर हुआ है उस पेपर के सॉल्यूशंस। ठीक है, इस पेपर को अगर हम देखें, एनालाइज करें, पेपर नंबर वन जो है हमारा बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, काफ़ी इजी पेपर आया है। सारे आपके क्वेश्चंस का जो बेस है वो अपना सीएमए का मॉड्यूल ही है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो। इवन आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यूज, उसमें से एज इट इज कॉपी पेस्ट होके आ गए। ऑप्शंस में थोड़ा सा वेरिएशन किया है इन लोगों ने जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा एज सच कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपने पहली बार देखा हो या जो आपके मॉड्यूल से बाहर हो। सो पेपर काफ़ी ईजी था, आई होप सबका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। एक दो सेक्शंस वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है किसी किसी के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, बाकी अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे। इसके अलावा हमारे सीएमए इंटर के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 19 जून से, आगे भी काफ़ी सारे बैचेस अपने आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जितना जल्दी हो सके, अभी आपने एग्जाम दिया ही है तो बिना टाइम वेस्ट करें आप सीएमए इंटर भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी डिटेल्स इस रिगार्डिंग चाहिए आप ज्ञान सागर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जितने भी डिटेल्स हैं एक्स्ट्रा वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली अपने सॉल्यूशंस। सो दो पार्ट से ऑब्वियसली, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी आपको बीच बीच में दे रखे हैं, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद आपका क्वेश्चन नंबर वन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, ये मनी बिल के बारे में बात कर रहा है। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट के हमारे पास दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो यहाँ पे क्या बोला है इसने, मनी बिल किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो आपके पास यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं, काउंसिल ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा, सेकंड है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, बोथ द हाउसेज, नन ऑफ द हाउसेज। सो अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होगा वो आपका इंट्रोड्यूस होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट, लोकसभा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर टू पे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर टू की, क्वेश्चन नंबर टू आपका कहाँ से आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है। क्वेश्चन नंबर टू में किसकी बात बोली है इसने, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपने पढ़ा होगा, कंसिडरेशन तीन टाइप्स की होती है, पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, एज वेल एज फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में क्या बोला है, पास्ट बोला है, सिर्फ प्रेजेंट बोला है, सी वाले ऑप्शन में ये तीनों बोल रहा है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फोर्थ में बोल रहा है मॉनेटरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन थ्री किसके बारे में बात कर रहा है, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है, ऐसा सेलर जिसको उसकी प्राइस पे नहीं हुई होती है। अब बोल रहा है अनपेड सेलर में इंक्लूड क्या क्या होगा। सो क्या बोला है यहाँ पे देखो, अनपेड सेलर की अगर हम लोग बात करें, सेलर की बेसिकली बात करें तो सेलर खुद भी काम कर सकता है, सेलर अपने एजेंट के थ्रू भी काम करवा सकता है, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या बोला है, अनपेड सेलर है तो उसमें इंक्लूड कौन होगा। देखो क्या ऑप्शन दिए हैं, एजेंट ऑफ द बायर, वो तो क्यों ही इंक्लूड होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है हमें एजेंट ऑफ द सेलर, तो सेलर अपने एजेंट के थ्रू काम करवा सकता है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका कि ये भी जो है वो अनपेड सेलर में इंक्लूड हो जाएगा, एजेंट ऑफ द सेलर। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन फोर जो है वो आपका क्या बोला गया है, अग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल। अनलॉफुल अग्रीमेंट कब माना जाएगा, देखो ऑप्शन, कंसेंट नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है, और फोर्थ है ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब क्योंकि यहाँ पे ये अनलॉफुल की बात कर रहा है तो अनलॉफुल ऑब्वियसली क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फॉरबिडन बाय लॉ। सो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आपका ऑब्जेक्ट ही लॉ ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है, लॉ के अगेंस्ट में है, सो वो अनलॉफुल हो जाएगा।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज अपना क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपका कम्युनिकेशन में से आया है. देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, फीडबैक इज नीडेड. फीडबैक की आपको रिक्वायरमेंट कब होती है, जब वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे है, बोथ है, नन है. सो फीडबैक की रिक्वायरमेंट आपको होगी जब क्या हो, टू वेज कम्युनिकेशन होगा. ठीक है, सो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 से आपका व्हाट आर पर्सनल लॉज, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल के पीछे से आया हुआ है. आपको सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है. तो इसका जो ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, लॉज रिलेटिंग टू इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये नहीं होगा. सेकेंड आ जाएगा इसमें कस्टम्स और रिलीजियस बिलीव्स दैट हैव नाउ बीन कोडिफाइड, ये इसका आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन. मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये. अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है इसने, अग्रीमेंट है किसके बीच में, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हु आर लिविंग इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट. अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे कुछ भी कमर्शियल नहीं है. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, विच आर नॉट बेसिकली कवर्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कौन से आ जाएंगे, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आ जाएंगे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा. सो यहाँ पे आपको क्या क्या बोला गया है, प्रोमिसर, प्रोमिसर का एजेंट, प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑल ऑफ देम. अब यहाँ पे एज सच एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं है. सो इस केस में हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये जितने भी सारे के सारे लोग हैं ये सभी आ जाएंगे, बिकॉज कोई पर्सनल स्किल या ऐसा कुछ नहीं बता रखा जो उसके पर्सनल स्किल से कनेक्टेड है. सो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, जो भी काम है हम अज्यूम कर रहे हैं कि सबका नाम दे रखा है. सो यहाँ पे डी ऑप्शन आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9. जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखो क्या बोला, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर कंसिडरेशन इट इज अ फिक्टिशियस बिल. गलत है, फिक्टिशियस बिल तो वैसे फ्रॉडुलेंट होता है, तो सब कुछ ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए ही होगा. एक बार बाकी की भी रीड कर लेते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, करेक्ट है. चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. सो ऑब्वियसली अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है, फॉल्स है. ओके नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन नंबर 10 अपना है कम्युनिकेशन का, राइटिंग. राइटिंग कैसी होती है, इन नेचर पर्सनल, इम्पर्सनल, न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव. सो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग कैसी होती है, पर्सनल इन नेचर. चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी एंड सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड. जो आपका सेकेंडरी लेजिस्लेशन है ये आपके चैप्टर नंबर 1 जो है सोर्सेज ऑफ लॉस में से आया है. सेकेंडरी एंड सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, मॉड्यूल में गिवन था ये. सो सेम क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे. देखो क्या बोला, एम्बिट ऑफ द एक्ट, एम्बिट ऑफ एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट के और कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है क्या चीज़, आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अब चलते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, इफ अ पार्टी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशन, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है. सो ऑब्वियस है यहाँ पे एक पार्टी दूसरे के विल को डोमिनेट कर पाएगी. देखो क्या बोला यहाँ पे, ही कैन नॉट डोमिनेट, ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अदर, ट्रस्ट शुड बी मेंटेन एंड नन ऑफ द अबव. सो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका. अब यहाँ पे आपसे सेक्शन पूछ लिया गया है, हो सकता है किसी को ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हुई हो, किसी ने लर्न भी किया हो, किसी ने तुक्के लगा दिए हो. ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, प्राइस. प्राइस की डेफिनेशन जो है वो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के किस सेक्शन में दे रखी है. सो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210.
ठीक है। सो ठीक है, हो सकता है किसी का रॉन्ग हो भी गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं आपके सेक्शंस वाले। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस अ चेक। चेक पे क्रॉसिंग पड़ी है हमने, क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है वो कौन नहीं कर सकता, ड्रॉअर, होल्डर, बैंकर या फॉरेनर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली फॉरेनर आ जाएगा, एकदम अलग ऑप्शन है, बाकी तो है वो अलाउड है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका अगेन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। मैसेज को डिलीवर करने के लिए आपके पास क्या मेथड रहेगा, आपके ऑप्शंस है रिसीवर हो नहीं सकता, चैनल, सेंडर या फीडबैक। सो मैसेज भिजवाना मतलब चैनल, ठीक है। सो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट केस लॉज आर जुडिशियल प्रोसीजर, एनी इलेक्टेड मिनिस्टर कैन पास एन ऑर्डिनेंस, देर इज नो पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तीनों ही गलत है। ऑप्शन डी देखो, ओनली एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर आर लॉज। बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, कुछ आपकी सेंट्रल एक्ट्स होती हैं, कुछ आपकी स्टेट एक्ट्स होती हैं, ठीक है। सो सेंट्रल एक्ट्स पे पूरा जो रहता है वो किसका रहता है, पार्लियामेंट के अंडर में आता है। स्टेट एक्ट का किसके अंडर में आता है, स्टेट लेजिस्लेचर। सो ये एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों करेक्ट नहीं है। चलो अगेन 17 वाला क्वेश्चन भी आपसे थोड़ा सा वो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो क्या बोला, म्युनिसिपैलिटीज जो हैं इनको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में गिवन है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 9, ठीक है। सो ये अगेन ये वाला क्वेश्चन और जो आपका 13 वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा हम कह सकते हैं आ गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है आपसे, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। देखो क्या बोला है, फर्स्ट है void agreements are always illegal। void agreements क्या हमेशा illegal होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। illegal agreements are voidable, no, illegal agreements तो void होते हैं। illegal agreement can be ratified, illegal है तो parties confirmation कैसे देगी भाई, जब law नहीं बोल रखा है illegal है तो parties कैसे ठीक कर सकती है। सो ये तीनों ही गलत है, illegal agreements are always void, ये एकदम करेक्ट, ठीक है। सो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपसे पूछा है अब कौन सा फॉल्स है, अभी पूछा था कौन सा ट्रू है, पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है। देखो क्या बोला, ओनली मूवेबल गुड्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम एंड अग्रीमेंट टू सेल क्रिएट राइट इन रैम। ये उल्टा दे दिया है यहाँ पे, राइट इन रैम इसमें आएगा सेल वाले में एंड राइट इन पर्सोनम आ जाएगा अग्रीमेंट वाले में। सो ये उल्टा दे दिया है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा कि दोनों बी और सी दोनों ही यहाँ पे गलत है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, डायरेक्ट एकदम गिवन है। कितने इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंसेस होते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ NIA, तो कितने यहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। आपने पढ़ा है 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंसेस होते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में से, नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटेक्स कम्स अंडर विच सी। अलग अलग डिफरेंट सीज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो ग्रामर एंड सिंटेक्स प्रॉपर यूज करना उनका वो कौन से सी में आएगा। कंप्लीटनेस, कोहेरेंस, कर्टियस, करेक्टनेस, सिंपल है एकदम, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, करेक्टनेस, प्रॉपर ग्रामर यूज करना है, करेक्टनेस। चलो
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, ग्रेस पीरियड। ये तो अपन नॉर्मली भी पढ़ते हैं। ग्रेस पीरियड जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो पूछा है यहाँ पे कितने डेज का, 7, 3, 1 month, 15 days। बेसिक सा है, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 days का ग्रेस पीरियड। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स है, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, वाई, कि वो छीन लेंगे जबरदस्ती जेड की प्रॉपर्टी फोर्सफुली। अब अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो तो ठीक नहीं है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज और आर अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को क्या क्या, अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था अनपेड सेलर का, ठीक है, अनपेड सेलर अगेन उसको पेमेंट नहीं मिला तो उसके पास क्या राइट्स है, तो वेरियस आपको आपके मॉड्यूल में राइट्स गिवन है। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पे ऑप्शन में, रीसेल द गुड्स, मॉर्गेज द गुड्स, सिक्योरिटी क्रिएट करना उनके ऊपर, कंज्यूम कर लेना खुद ही, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो आएगा नहीं इसमें, ना ये आएगा ना ये आएगा, तो इसका आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, उसके पास राइट होता है कि वो पेमेंट नहीं आई है तो वो गुड्स किसी और को रीसेल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन 25 आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या कर दिया, कंडीशन का ब्रीच किया। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो उस केस में बायर के पास में क्या है, देखो ऑप्शन, सबसे पहले कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, गुड्स एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता क्या, हैज टू पे द प्राइस, कैन क्लेम ओनली डैमेज एंड कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन ऑफ सेल है, हमने पढ़ा है कंडीशन और वारंटी, सो कोई कंडीशन मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्टिपुलेशन अगर आप नहीं पूरी कर रहे हो, सो बायर यहाँ पे गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है क्या, डेफिनेटली मना कर सकता है, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, 26 क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन का है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन स्पीकर हैज टू क्लियरली स्पीक फॉर और अगेंस्ट। ये तो बेसिक है, फॉर मतलब फेवर में, अगेंस्ट में, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स में मतलब किस टाइप के डिस्कशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, फेवर में बोलते हैं या अगेंस्ट में बोलते हैं, डिबेट में, ठीक है, आपके स्कूल में भी आपने बहुत किए होंगे, सो प्रेजेंटेशन, डिबेट, स्पीच या जीडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फिर डिबेट आ जाएगा, सो ऑप्शन नंबर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डिसएडवांटेजेस ऑफ रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग के डिसएडवांटेज, अगर आप किसी और के टॉपिक को रेफरेंस लेके कुछ लिख रहे हो, सो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, इट इज अ बेसिस फॉर रिसर्च। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, डिसएडवांटेज की बात बोली है, सो बेसिस फॉर रिसर्च, तो ये तो ठीक है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। टू मच रेफरेंसिंग कैन लीड टू लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी। ऑब्वियसली आप किसी दूसरे का इतना ज़्यादा रेफरेंस लेके काम करोगे तो आपका ओरिजिनल जो आइडिया एंड कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, एंड इट ब्रिंग्स अबाउट रिजिडिटी एंड टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल ठीक है, सो इसमें डी आ जाएगा, बोथ बी एंड सी, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या बोला है आपका, दैट डैश इज कॉमनली यूज टू हाईलाइट सर्टेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस इन अ डॉक्यूमेंट। हाईलाइटिंग के लिए देखो क्या बोला है यहाँ पे, फ्लो चार्ट, कलर प्रिंटिंग, टेबल्स एंड ग्राफ्स, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखो कलर कोडिंग अपने यहाँ पे मॉड्यूल में दे रखा है, सो उसके रिगार्डिंग इसका ऑप्शन बी ठीक है, कलर प्रिंटिंग, कलर कोडिंग, सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी और रिस्क कब ट्रांसफर होगी। सो ऑप्शन देखो, शिपमेंट, लैंडिंग एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन,
पेमेंट ऑफ द प्राइस रीचिंग द वेयर हाउस। तो अगर हम बात करें फ्री ऑन बोर्ड में, तो प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप और रिस्क जो होती हैं वो शिपमेंट पे ही ट्रांसफर हो जाती है। सो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फॉर विच ऑफ दीज राइट्स ऑफ लियन, लियन क्या होता है, पेमेंट वेमेंट नहीं आया अगर तो किसी चीज़ पे कब्जा करके रख लेना। तो जैसे मान लो सेलर को पेमेंट नहीं मिला तो वो गुड्स पे कब्जा करके रख सकता है, उसे हम बोलते हैं राइट्स ऑफ लियन। ये कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर। किस किस के रिगार्डिंग, मतलब क्या पेमेंट नहीं हुआ तो वो लियन या कब्जे में नहीं रख सकता। डॉक चार्जेस, गोडाउन रेंट, वेयर हाउसिंग, ये सब के लिए ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अपना कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर आपका 31। देखो 31 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन सा वाला गलत है। यूज ऑफ टच एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड हैप्टिक, चेंज ऑफ कमांड मीन्स लेवल ऑफ अथॉरिटी, सोशल मीडिया पोस्ट इज अ रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एंड एडवर्टाइजिंग इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्नाकुलम। तो ऑब्वियस है ए बी सी ठीक है, डी वाला आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब देखो 32 जो है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम देखें तो ये आपके मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सो उसमें जो अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, बोला है कौन सा वाला आपका एडवांटेज नहीं माना जाएगा, किसका, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अलग अलग आपने डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े होंगे, उसमें से एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या बोला, कौन सा वाला एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखो, रिलायबल, फास्ट, सीक्रेसी, नन ऑफ द अबव। अब अगर अपन मॉड्यूल देखें, ठीक है, मॉड्यूल के जो पीछे के एमसीक्यूज दे रखे हैं उसमें आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर रखा है, सीक्रेसी। बट अगर आप एक्चुअल जो टॉपिक कंटेंट गिवन है ना अपने मॉड्यूल में वो देखो तो एडवांटेजेस में सीक्रेसी दे रखा है, तो ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। सो मे बी मॉड्यूल के पीछे का आंसर गलत है, बट अगर आपने वो पढ़ के ऑप्शन सी ही टिक करा है तो भी ठीक है, वरना इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। बाकी ये देखो अगेन, जो भी हम ये सॉल्यूशंस बना रहे हैं ये टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ है, ठीक है। सो अगर इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग कोई और आंसर रेफर करता है इस वाले क्वेश्चन में, सी करता है, डी करता है, सो अभी हम कंप्लीटली उसको नहीं अश्योर कर सकते कि कौन सा होगा। बट मॉड्यूल के पीछे का अगर आप देखो जो एमसीक्यूज गिवन है, सो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी भी अगर आपने कर दिया तो माइट बी ए पॉसिबिलिटी ठीक कर दे, बट लेट्स सी। सो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका डाउट ही रहेगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस में किसको सेटिस्फाई करना है। अब ये तो मत बोल देना बिजनेसमैन को खुद को सेटिस्फाई करना है, नो, कस्टमर्स को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, ठीक है। कस्टमर्स खुश हैं तो बिजनेसमैन अपने आप खुश रहेगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 34। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑड वन कौन सा है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखो क्या बोला है, एस्टॉपल, सेल बाय मर्केंट एजेंट, सेल बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, सेल बाय जॉइंट ओनर। अब ये जो तीनों है, मर्चेंट एजेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, जॉइंट ओनर, ये ठीक है सब कनेक्टेड सा है। यहाँ पे एस्टॉपल अलग से आ जाएगा, ठीक है। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, तो वो यहाँ पे सूट भी नहीं हो रहा। चलो 35 आपका ऑक्शन सेल से आया है, अगर अपन ऑक्शंस करवाते हैं कंडक्ट तो क्या बोला है यहाँ पे, ऑक्शनियर, अगर ये देखा होगा हमने कि अगर ऑक्शनियर जानबूझ के आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस को बढ़ाता है तो उससे क्या बोला जाता है, ए प्रिटेंडेड बिडिंग, है ना, कि आप जानबूझ के प्राइजेस नकली लोग ले आए, प्राइजेस को बढ़ा के दिखा रहे हो आर्टिफिशियल तरीके से, सो दैट इज वॉट प्रिटेंडेड बिडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। 36 भी आपका आया है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। देखो इसमें क्या बोला है, नॉमिनल डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जेम्पलरी डैमेज, सिम्बॉलिक डैमेजेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉमिनल, स्पेशल, एग्जेम्पलरी तो होते ही हैं, सिम्बॉलिक आपके डैमेजेस यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये आपका एकदम डिफरेंट हो गया, ये बाकी सारे जो डैमेजेस होते हैं वो डैमेज अपन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उस केस में अपने आ ही जाते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 37, 37 बात कर रहा है जनरल ऑफर। अब देखो जनरल ऑफर दो टाइप के ऑफर होते हैं, जनरल स्पेशल। स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर तो आप देते हो किसी स्पेसिफिक पर्सन को कि हम तुम्हें ही ऑफर दे रहे हैं, तुम हमारी कार खरीदो। जनरल में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं कर रहे, ठीक है, सबको ही ऑफर कर रहे हैं। सो देखो क्या बोला है यहाँ पे, ओनली सीनियर सिटीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकता है, पर्सन जिसका नाम लिखा है वो एक्सेप्ट कर सकता है, या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके अंडर आता है। अब आपने पढ़ा होगा यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होते हैं, ठीक है, बाय परफॉर्मेंस, बाय अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। सो बाय अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज में ये आ जाता है रेमिशन। सो बेसिकली जो उसकी मेन हेडिंग है वो आपकी कौन सी है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो डिस्चार्ज के अंडर में ही क्या आ जाएगा आपका, रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्या बोलना चाह रहा है 39, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इनको हम और क्या बोलते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते तो नहीं है, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस या ऐसा कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट उसमें नहीं होते हैं, बट ये ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब जो रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जो लॉ ने ऑब्लिगेशन क्रिएट करा है, ठीक है। देखो क्या बोला यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं है, सर्टेन रिलेशन, देखो रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग वर्ड आ गया। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी का मतलब ही क्या होता है, रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, कंसेंसस एड इडम। अब कंसेंसस एड इडम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या बोला है, मीटिंग ऑफ द माइंड, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इलीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉट, मीटिंग ऑफ द माइंड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, NI एक्ट। अब बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आपको NI एक्ट के भी मिलेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, चेक। चेक क्या होता है, हमने पढ़ा है चेक जो होता है, चेक एक टाइप का क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, तीन पार्टीज भी होती हैं उसमें और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तीन पार्टीज होती हैं। सो चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। चलो सो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 42, अगेन 42 वाला क्वेश्चन, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन की बात की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग डाउटफुल है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी डाउटफुल है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको मॉड्यूल में दे रखा है, ठीक है, पीछे MCQs में, और उसका जो अगर आप ऑप्शन देखोगे, सो यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर रखा है, नॉट ट्रांसफरेबल, पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मॉड्यूल में ही गलती है, ठीक है। बट अगेन हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से लेगा, सो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक किया हो, बट एक्चुअली नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ए टिक करके आए हो, सो मे बी वो ठीक कर देंगे, बट ये होना तो नहीं चाहिए। सो नॉट नेगोशिएबल, नॉट ट्रांसफरेबल नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे टाइटल की बात करता है कि आप कितना सिमिलर टाइटल पास कर सकते हो, ज़्यादा टाइटल पास कर सकते हो, कम पास कर सकते हो, तो टाइटल की यहाँ पे बात कर रहा है कि हम ज़्यादा पास नहीं कर पाएंगे, बट अगेन वो गिवन नहीं है प्रॉपरली ऑप्शन में। सो इसके अकॉर्डिंग आना तो डी, नन ऑफ द अबव आ सकता है, बट अगेन अगर आप मॉड्यूल की बात करोगे तो मॉड्यूल में ऑप्शन नंबर ए टिक कर रखा है। सो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम डाउटफुली रखते हैं, हो सकता है आपने ए टिक किया हो सकता है आपने डी टिक किया हो, लेट्स सी मॉड्यूल इसको किस तरीके से कंसिडर करता है। मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ए दे रखा है बट करेक्ट नहीं है वो। चलो अब आते हैं 43, सिंपल क्वेश्चन है, कितनी पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में अपने पास तीन पार्टीज होती हैं, ठीक है, ड्रॉ, ड्रॉई और पे, सो थ्री पार्टीज आपका आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन में, हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, दिख ही रहा है फॉल्स स्टेटमेंट,
बाकी सब तो होना ही चाहिए जीडी में, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ वूट नहीं बोल देना भाई। ओके अब आ जाओ 45 भी अगेन एकदम सिंपल, अभी ऊपर चेक वाला आया था। चेक क्या होता है? एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें तीन पार्टीज होती हैं, सो यहाँ पर भी तीन पार्टीज आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। चलो लास्ट कुछ क्वेश्चंस अपने रह गए हैं, आप देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन 46 कह रहा है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को हम चाहे तो प्रॉमिसरी नोट मान लें और चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान लें। अब अगर आपने मॉड्यूल का क्वेश्चन किया होगा सो आपको ये सेम क्वेश्चन दिखा होगा, और अगर किसी ने रट्टे वट्टे मारे हैं तो उसने क्या कर दिया होगा, ऑप्शन बी टिक कर दिया होगा। बट मॉड्यूल में ऑप्शन जो बी है वो मतलब ऑप्शन सारे सेम ही दे रखे हैं, बट उसने एक डिफरेंट यहाँ पे चीज़ क्या कर दी है, मॉड्यूल में एम्बिगुअस लिखा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे इसने अनएम्बिगुअस कर दिया, मतलब एक करेक्ट कर दिया इसको। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, क्लैरिटी नहीं है, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर। सो ये यहाँ पे हो गया क्लियर, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने ये ऑप्शन टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। सो मैंने जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था कि बुक के ही क्वेश्चन दिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन कर दिया, सो वो मेनली इस वाले क्वेश्चन से कनेक्ट करके मैंने आपको कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल में अगर आप बोलोगे मॉड्यूल में बी है, तो मॉड्यूल का आप ये पूरा पढ़ना ऑप्शन, वहाँ पे एम्बिगुअस लिखा हुआ है। चलो अब आते हैं 47 पे। 47 अगेन आपका सेक्शन वाला आ गया। क्या बोला? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो आपका डिफाइन कर रखा है। अगर आप देखो सेक्शन 6(1)(a) की एक्सप्लेनेशन जो बेसिकली है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रखा है। सो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या बोला है? कॉरपोरेशन अगर है, कंपनी कॉरपोरेशन, सो वो पार्टी तब बन सकती है टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कब? जब उसके आर्टिकल्स में लिखा हो, डायरेक्ट आपकी लाइन मॉड्यूल में दे रखी है। सो क्या बोला? इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो यहां पे आपका आ जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 49। देखो 49 क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर वॉइडेबल। देखो अपने अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो वो तो वॉइड में आता है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, बट इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगा? वॉइडेबल आ जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइडेबल अंडर इंग्लिश लॉ। और लास्ट आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेबल। देखो हमने मिस्टेक पढ़ी है, मिस्टेक ऑफ लॉ, और एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ किसकी होती है? फॉरेन कंट्री की, इंडियन कंट्री, इंडियन लॉ की मिस्टेक इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको लॉ नहीं पता तो वो आपकी गलती है, ये नहीं बोल सकते आप हमें लॉ नहीं पता तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट फॉरेन लॉ अगर आपको नहीं पता है सो वो आप एक एक्सक्यूज दे सकते हो, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसे माने जाएगा। सो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन कंट्री, ठीक है। चलो सो विद दिस अपने यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने 50 to 50 क्वेश्चंस अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप सबका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, एंड आप कमेंट्स में बताओ कितने कितने आपके जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। सो एक डिस्क्लेमर, जो भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए हैं वो दे आर टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, ठीक है। सो माइट बी अ पॉसिबिलिटी, जैसे हमने बात की, 2 to 3 क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसको इंस्टीट्यूट हो सकता है अपने अकॉर्डिंग कुछ और अजम्पशन पे बेस करके या मॉड्यूल के बैक वाले आंसर्स पे बेस करके कुछ और तरीके से चेक कर ले। सो उसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है आपने मॉड्यूल वाला आंसर टिक कराओ, हो सकता है आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर टिक कराओ, सो वो 2-3 क्वेश्चंस में डाउटफुल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बाकी के जो सारे आंसर्स हैं वो तो एकदम ठीक ही है, पूरा जो आपका पेपर है वो बुक से ही आया है। सो आई होप सबका एग्जाम काफ़ी अच्छा होगा। अब फाउंडेशन लेवल जो है वो तो आपका सिंपल था, अब आप लोग आओगे इंटरमीडिएट लेवल पे। जैसा हमने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपके जो न्यू बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं 19 से, सो जल्दी से आके आप बैच में अपने आप को एनरोल कर लो। इंटर में भी हम लोग मिलने वाले, इंटर में भी आपका लॉ का सब्जेक्ट रहेगा, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। लॉ का एक और सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपका ग्रुप 2 का रहेगा, ऑडिटिंग वाला जो सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का, वो भी हम कवर करेंगे, एंड जो लॉ का सब्जेक्ट है वो भी हम यहाँ पे
कवर करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट में। सो देरी नहीं करनी है, मज़े मज़े होते रहेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही आप ये बैच को ज्वाइन कर लो। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।